हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैलेंज मेक योरसेल्फ यूनिक। फ्रेंड्स, जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे कि सर आरसीसी भी पढ़ना है, सोम भी पढ़ना है, मैंने आपसे वोटिंग करवाई थी, तो मैंने इसके बीच का रास्ता निकाला हुआ है कि एक सिविल इंजीनियर को अगर वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के पाथ पे जा रहा है तो आरसीसी और सोम में से कौन कौन सी चीजों को पढ़ना चाहिए, उसको मैं मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये कंप्लीट सीरीज चलेगा जिसमें लगभग 100 एपिसोड होंगे। कितने? 100 एपिसोड होंगे। डेली यूनिक में 7:30 पे यूनिक सीरीज पे आपको ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 7:30 पे 10 मिनट अपने निकालने हैं और यूनिक सीरीज पे आना है। मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा। आप सोच रहे हो कि फी मतलब पैसा? नहीं, पैसा नहीं, पैसा ऊपर वाले ने दिया है। आपको क्या चाहिए? आपसे मुझे बस इतना चाहिए कि आप देखने के बाद एक तो लाइक करोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, उसके लिए कमेंट करोगे, और तीसरा आपको करना है कम से कम एक दो लोगों तक शेयर, एक दो ग्रुप में शेयर, या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस या फेसबुक पे स्टेटस, कहीं ना कहीं शेयर करना है। कुल मिला के ये मोटिव है। इतना अगर आप करते हैं, मैं आपको 100 एपिसोड फुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बना दूंगा। व्हाट इज डिजाइन? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्लास 1 यहां से स्टार्ट करूंगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्लास 100 लगा तो और वहां तक आपको प्रॉमिस करता हूं। ये प्रॉमिस ऐसे नहीं कि मैं दूसरों की तरह बोल दूं फिर ना करूं, नहीं। आप अगर देखो, मैंने बोला था ऑटोकैड में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा। आकाश मंडे ब्लॉग वाले चैनल पे आप जाओ, वहां पे कंप्लीट ऑटोकैड का 8th क्लास हो गया है। आज 9th क्लास होगा, कल 10th क्लास होगा। रेगुलर क्लास चल रही है वहां पर, सैटरडे संडे छोड़ के। तो इसी तरीके से मैं अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए आरसीसी और सोम दोनों का मिक्स क्लास लेने वाला हूं। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी मैं आपसे बोल के ऐसे ही समझाऊंगा, और आगे देखेंगे अगर आप और अच्छा सपोर्ट करोगे तो कुछ और क्रिएटिव तरीके से करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो मजा आएगा। प्लस एक रिक्वेस्ट है यार कि स्ट्रक्चर या कुछ भी अगर पढ़ना है तो मुझे मजा तब आएगा जब पूरी वीडियो को देखोगे, क्योंकि जब पूरी वीडियो नहीं देखते आपको नहीं, मुझे पता चल जाता है एवरेज वीडियो ड्यूरेशन से। आप बोलोगे कुछ इंप्रूवमेंट है, आप कमेंट कर दो सर ये इंप्रूव करिए तो मैं और देखूंगा, ये करूंगा, जो भी है आपका अपना व्यू शेयर करो यार, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूं। सो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे करेक्ट करोगे तो मेरे लिए बेटर होगा, मेरी इंप्रूवमेंट होगी और आपके भाई की इंप्रूवमेंट होगी। तो इंडिया में कई लोग आपके भाई से पढ़ते हैं, उसके भी इंप्रूवमेंट होंगे। चलो तो हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। मीन्स हम लोग का फुल फोकस है डिजाइन पे। किस पे? डिजाइन पे फोकस है, जिसके लिए मैं 3-4 बुक्स को रिफर करूंगा। आपको पहले से बता दूं कि जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट कहां से आएगा। एक बुक तो मैं ये रिफर करूंगा, इसमें IS 456 का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बुक मैं और रिफर करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक मेरे लिए रहेगी, इसको रिफर करूंगा। प्लस एक और बुक है जिसको मैं रिफर करूंगा यहां पर, और एक नोट्स है मेरे पास, नोट्स में रिफर करूंगा। कई ढेर सारे कंटेंट्स हैं मेरे पास जिनको मिक्स करके मैं आपके साथ पूरा 100 एपिसोड बनाने वाला हूँ स्ट्रक्चर डिजाइन का। पहले तो ये लिखना कि ये इनिशिएटिव कैसा है मेरा, तो मैं सबका मर्ज करूंगा। बेस्ट कंटेंट आपके लिए 100 एपिसोड देने जा रहा हूँ। प्लीज फुल दबा के सपोर्ट करना, इतना सपोर्ट कर। ये सिर्फ पहले वीडियो में बड़ा सपोर्ट आता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। फुल एपिसोड में आप फुल अट्रैक्ट करके मुझे दे दो। लगभग मैं आपको अगर दिखाऊं मेरे कैमरे से, तो मेरे पास में कंटेंट पूरे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, सारा बुक्स में निकाल के इसमें से जो बेस्ट कंटेंट है वो निकाल रहा हूँ, और वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और इसमें मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आरसीसी या कोई भी स्ट्रक्चर्स का डिजाइन करने के लिए क्या क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि डिजाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है। नहीं, डिजाइन में से याद रखो, पहले तो यह जान रखो कि व्हाट इज डिजाइन। व्हाट इज डिजाइन? ये नोटबुक है, कितनी अच्छी लग रही है ना ये, मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट नहीं किया भाई, मैंने खरीदा है। तो ये कैसे अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है पता है क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपर उस तरीके से इसके कवर को डिजाइन किया गया है। इसके अंदर जो भी फिल करने के लिए, प्रोग्राम फिल करने के लिए दिया गया, बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। इसलिए इसमें ये लगा हुआ है, इसको भी क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। पर्सपेक्टिव समझ रहे हो मेरा? इसी तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको मैं डिजाइनिंग समझाऊंगा। डिजाइन क्या है? डिजाइन इज अ आर्ट विच मेक्स द बेटर ऑब्जेक्ट, विच मेक्स द बेटर ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव एंड कंफर्टेबल ऑब्जेक्ट्स। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बना देता है। चाहे इस टी शर्ट को देख लो, अगर इसको मैं आपको और डिजाइन कर दूं तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, प्लस उसमें अट्रैक्टिव के साथ कंफर्टेबल दिखा जाता है।
बिल्डिंग में भी यही होता है। बिल्डिंग की जब डिजाइन की जाती है तो लोगों को लगता है स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन। ना भाई, हमेशा डिजाइन को दो पार्ट में डिजाइन किया जाता है, मतलब बताया जाता है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? पहली पार्ट होती है उसकी फंक्शनल डिजाइन। पहली पार्ट होती है क्या? उसकी फंक्शनल डिजाइन। ध्यान देना मेरी बातों पे, फंक्शनल डिजाइन पहला पर्सपेक्टिव होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है स्ट्रक्चर डिजाइन। क्या? स्ट्रक्चर डिजाइन। ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये फंक्शन है। अभी फंक्शन अच्छा कर रहे हो आप। पहली चीज होती है फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है कि व्हाट इज द वर्क नीडेड, मींस काम किस चीज की जरूरत है, क्या करवाना है एग्जैक्टली को, सामने वाले को क्या करवाना है। तो उससे पहले आप समझ लो कि ये करवाना है। ओके, फिर दूसरा फंक्शन क्या आना चाहिए? मैं फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, पहले फंक्शन करूंगा फिर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगा। दूसरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? चलो फंक्शन के बाद किस तरीके का स्ट्रक्चर इनके लिए अच्छा रहेगा, मतलब मुझे नोटबुक पे लिखना है तो किस तरीके की नोटबुक मेरे लिए अच्छी रहेगी। अब कंटेंट क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करे ना, महंगी वाली सस्ती वाली, समझते हो? तो उसी तरीके से इनके लिए आरसीसी बेटर रहेगा कि स्टील बेटर रहेगा कि प्रीकास्ट बेटर रहेगा। अब ये क्लियर करना हमारा व्यू है, इसे हमें समझना पड़ेगा पहले उनकी बात सुन के। ओके, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर हमने चूज किया है, यानी सपोज हमने आरसीसी चूज कर लिया है, आरसीसी चूज करने के बाद क्या वो प्रॉपर कंफर्टेबल है, मतलब डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आरसीसी में? उस लोकेशन के लिए, उस सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के लिए वो डिजाइन प्रॉपर जाएगी क्या? सब कुछ समझना है। तो स्टेप नंबर 3 हो गया कि आप अंडरस्टैंड करो कि जो आपने डिजाइन चूज किया है आरसीसी स्टील या प्रीकास्ट वो सही है क्या। अब ये सब सही करने के बाद लास्ट पॉइंट फिर से देखना पड़ेगा, आप जो कर रहे हो क्या क्लाइंट को वैसा ही चाहिए क्या। यूजर सेटिस्फैक्शन, मींस यूजर अगर सेटिस्फाइड है तो आपका डिजाइन होगा, आगे प्रोसेस होगा, तभी तो इन्वेस्ट करने वाला होगा ना बंदा। तो फंक्शनल डिजाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला पार्ट क्या है कि भाई सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझो। दूसरा, आप देखो इसके लिए आरसीसी स्टील या प्रीकास्ट क्या बेटर रहेगा। तीसरा, इसके फंक्शंस को एंट्री करके थोड़ा सोचो कि कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं। बड़ी अच्छी डिजाइन कर दी, पहन रहा हूं टी शर्ट, बहुत मतलब कंजेस्टेड लग रहा है, तो फिर बेकार है ना वो। ठीक है, मेरी ठीक है, मेरी हल्की है, मतलब ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सही से कंफर्टेबली डिजाइन नहीं हुआ है, प्रॉपर जो वर्क के लिए चाहिए था रूम, अभी ये रूम है मेरा, अब इस रूम को मैं स्टूडियो बनाया अगर, तो अगर ये कम से कम 12x12 का नहीं रहेगा, 144 स्क्वायर फीट नहीं रहेगा, तो सही से बनेगा क्या? नहीं, प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको ये फंक्शंस का रिक्वायरमेंट समझना है। और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप बना रहे हो वो क्या क्लाइंट को पसंद आ रहा है क्या। क्लाइंट को पसंद आएगा तभी क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा, तभी आपकी डिजाइनिंग आगे जाएगी। ये 4 पार्ट होते हैं आपके फंक्शनल डिजाइन में। चल भाई, क्लाइंट ने बोल दिया ओके। अब जब फंक्शन आपको पसंद आ गया, आपका व्यू समझ में आ गया कि भाई अब बिलीव हो गया क्लाइंट को कि अब बेस्ट है भाई, अब तू बना दे, तब दूसरा टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर डिजाइन। ओके, स्ट्रक्चर डिजाइन में सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? पहला रिक्वायरमेंट होता है कंपटीशन ऑफ लोडेड, मतलब लोड समझो कि किस चीज का लोड आने वाला है। मुझे ये चेयर पे मैं बैठा हूं, ये चेयर डिजाइन करने से पहले ये देखा गया होगा कि एक 70 से 100 केजी तक का इंसान अगर बैठा होगा, आई थिंक मेरा 72-73 वेट है, 70-100 केजी का इंसान इस पे बैठेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो डिजाइन के लिए, उस पर लोड क्या आने वाला है इसका पहले फोकस करो, पता करो कितने फ्लोर का बनने वाला। अच्छा, इतने फ्लोर का, तो इसका एक्सियल लोड इतना हो जाएगा। एक्सियल लोड क्या होता है आगे समझाऊंगा, पार्ट 2 आने दो, पार्ट 3 बहुत मजा आएगा, सिर्फ आपके सपोर्ट अगर रहेंगे तभी मजा ज्यादा आएगा। तो और भी ज्यादा सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है मैं लाइव भी आऊं इस चीज के लिए। तो अब दूसरा पहला काम क्या हो गया, आपको समझ लेना कि भाई इन पे लोड क्या क्या आने वाला है। अब उस लोड के बेसिस पे, आपका लोड क्लियर हो गया, तो लोड के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चरल प्लानिंग करनी है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग में क्या करना होता है? स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हमें यह देखना पड़ता है कॉलम का साइज कितना रखूं। हमेशा रखो, कई लोग कॉलम के ओरिएंटेशन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज ये रूम है, सपोज ये रूम का एरिया है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक्सिस मतलब कि किधर रखूं कॉलम। मान लो कि कॉलम आपने रखा हुआ है 550x300 का, कितने का? 550x300। अब आप कंफ्यूज होते हो 550 इधर जाएगा कि 550 इधर जाएगा। तो आपको बहुत इजी आइडिया में, बहुत इजी लैंग्वेज बता देता हूं, हमेशा जो डेप्थ होता है वो मेजर एक्सिस में जाएगा। तो 550 क्या था? डेप्थ था। डेप्थ किधर जाएगा? मेजर, मेजर मतलब जो ज्यादा एक्सिस है।
और जो छोटा है, जो डेप्थ के अलावा जो विड्थ आपका है, विड्थ जाएगा हमेशा माइनर एक्सिस में, विड्थ किधर जाएगा माइनर एक्सिस में। बिल्कुल ओरिएंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओरिएंटेशन आपको रूम का देखना है, आपको बिल्डिंग का नहीं, पहले रूम वाइज जाना है। तो आपको मेजर एक्सिस मतलब 550 इधर देना है, 300 इधर देना है। ये कंफ्यूजन अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको कॉलम के उसमें नहीं जाएगा, क्यों? स्ट्रक्चरल प्लानिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। चलो पहला लोड हमने पता कर लिया भाई, अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, उन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया, हमने कहा चल भाई रिक्वायरमेंट तो हमें पता चल गई, दूसरा काम क्या कर दिया, दूसरा काम की हमने स्ट्रक्चरल प्लानिंग कर दी, बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम अब देखो वीडियो बड़ी बन रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, सपोर्ट करना यार, क्योंकि लैंग्वेज में जब इजी लैंग्वेज में किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो टाइम बढ़ जाता है ब्रदर। तो अब तीसरा काम क्या है ब्रदर, मतलब केवल ब्रदर नहीं सिस्टर भी, मतलब जो भी गर्ल्स और बॉयज दोनों वॉच कर रहे होंगे वीडियोस को। तो तीसरा काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग हो गया, तीसरा काम होता है एनालिसिस का। किसका? एनालिसिस का काम होता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये लोड इतना आ रहा है, इसका शियर फोर्स इतना आएगा, यहाँ पे सोम की जरूरत पड़ेगी, क्यों? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन। तो आपको तीसरे काम में सोम का नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। अब चौथा काम आता है, ठीक है मैं थोड़ा और जल्दी चलता हूँ। एनालिसिस के बाद चौथा काम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। क्या कहते हैं इसको? डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में किसका योगदान होता है, डिजाइनिंग में आपको आरसीसी का नॉलेज होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट का डिजाइन होता है, मतलब बीम का डिजाइन, कॉलम का डिजाइन, फुटिंग का डिजाइन, एक एक मेंबर का, एक एक एलिमेंट का डिजाइन करोगे ना। तो देखो पहले सोम आया फिर आरसीसी आ गया, तो आपका डिजाइनिंग का स्टेप्स होगा। अब डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाए तो आपको डिटेलिंग का काम आता है। किसका? डिटेलिंग। ओके, डिटेलिंग मतलब कितने एमएम के कितने बार, ओके कितने एमएम के कितने टाइल्स, स्पेसिंग क्या रहेगी, ये सब क्या है, ये सब आपकी डिटेलिंग है। तो आपका जो चौथा काम है, सॉरी पांचवा जो काम है वो क्या है आपका, डिटेलिंग है। अब डिटेलिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के एस्टिमेशन कर देते हैं कंप्लीट। यहां जाके आपका स्ट्रक्चर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। मजा आया होगा, समझ में आया होगा, फंक्शनल डिजाइन और स्ट्रक्चरल डिजाइन दोनों डिजाइन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आया कि नहीं, मेरी लैंग्वेज कैसे लगी, मैं सॉफ्टवेयर के अलावा सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट में ज्यादा टीच नहीं करता बट मुझे पसंद है, सो मैं आप सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आरसीसी और सोम को मिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं प्रॉपर कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे अपने डेडिकेट कर रहा हूँ अपने पूरे वर्क स्पेस में से। सो इतना मेरे हक बनता है कि मैं आपसे बार बार बोल के सपोर्ट ले लूँ। सो आपका सपोर्ट मेरा स्ट्रक्चर का पूरा एपिसोड, एक तरीके से पूरी मूवी की सीरीज बनेगी, मिर्जापुर देखे हो ना, वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे सीरीज बनाएंगे। जरूर देखना पूरे 100 सीरीज को, स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रॉपर बना के आपको छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो 200 एपिसोड जाएगा, बट आई थिंक 100 एपिसोड आराम से हो जाएगा। 7:30 पे वीडियो लॉन्च होगा डेली, सो डेली आके आपको देखना है फिर शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।